फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आपका इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट चैप्टर फॉर योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर आ रहा है उसके लिए। सो इंडिया बिटवीन 1950 टू 1990, ये कैसा साल निकला कि इस 40 साल के बाद वाले पार्ट में पोस्ट इंडिया कहा जाता है और 1950 से 1990 के पहले वाले पार्ट को प्री इंडिया कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, आजादी के बाद 1990 तक तो बाय डिफॉल्ट हमने कुछ ग्रोथ करी ही नहीं थी। सच्ची बात बताऊं तो आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि 1991 एक ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, जब आपका देश बिकने पे आ चुका था, आपका देश रोड पे आ चुका था। वर्ल्ड बैंक ने अल्टीमेटम दिया था कि या तो अपनी पॉलिसीज चेंज करो इंडिया, या तो आप, वर्ल्ड बैंक का इतना कर्जा था देश के ऊपर कि आप वर्ल्ड बैंक के हाथों बिक जाओ। इसीलिए 1950 से 1990 के फेस को बिल्कुल अलग रखा गया कि आजादी के बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, पॉवर्टी को हटाना था, इनइक्विटी को हटाना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था और बहुत सारी बातें करनी थी। इसीलिए शायद हो सकता है, और इस बीच में बहुत सारे वॉर्स भी हुए। हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, हमारा पाकिस्तान का 3 बार वॉर हुआ, 1947 का वॉर हुआ, 1965 का वॉर हुआ, 1971 का वॉर हुआ। तो इंडिया एक बहुत ही बैलेंस बोलो या अनबैलेंस वे में आगे बढ़ा। तो लेट्स गो थ्रू कि इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 में क्या थी, फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल, इकोनॉमिक सिस्टम ही क्या होता है, इकोनॉमिक प्लान्स कैसे बनाए गए, 5 ईयर्स प्लान क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सिस्टम, आज कोई भी कंट्री है तो इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, चीजें प्रोड्यूस करनी, रिसोर्स एलोकेशन कि आपका पैसा बहुत सारा तो कहां कहां एलोकेट करोगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं कि आपके घर में भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है कि सर कैसे पैसा कमाया जाएगा, कैसे प्रोडक्शन, कैसे वो कमाया हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाएगा विद इन अ इकोनॉमी या विद इन अ होम। सर तीन प्रकार की इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी के सामने, जो पहले भी थी, आज भी है और वो हर इकोनॉमी की होती है। वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहली बार अगर 1950 में जो आजाद भारत है, अगर वो शायद भुखमरी से मर रहा था, हमारे पास उस पर फूड ग्रेन्स नहीं थे, तो वॉट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया देश के लिए, देश के लिए नए वेपन्स बनाए कि खाने के लिए अनाज बनाए, वीट उगाए, राइस उगाए। तो ये पहला क्वेश्चन था वॉट टू प्रोड्यूस। क्या सर रेफ्रिजरेटर बनाए कि मोबाइल बनाए, क्या स्कूल्स बनाए कि हॉस्पिटल्स बनाए। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू प्रोड्यूस, क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और वॉन्ट हमेशा कह रहे थे अनलिमिटेड। तो देश के पास भी रिसोर्सेस, हर कोई टैक्स पेयर तो था नहीं। 1950 वो वाला भारत जो उसको अंग्रेज पूरा बोलते हैं खत्म करके गए थे, किलोज ऑफ टन्स ऑफ गोल्ड देश से लेके गए थे। तो आपके पास जो भारत छूटा हुआ था, जो इंडिया था, वो अल्टीमेटली बहुत गरीब हो चुका था उस समय, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइटेड इंडिया था। ब्रिटिशर्स टन्स ऑफ गोल्ड यहां से लेके गए थे, टन्स ऑफ रिसोर्सेज यहां से लेके थे। पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान को आजादी के टाइम पर 65 करोड़ रुपीस दिए थे, तो रिसोर्सेस कम थे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई करें कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई करें। सर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं, तो लेबर इंटेंसिव स्टिक करना था और कैपिटल इंटेंसिव के मतलब पैसे नहीं थे। तो सेकंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, क्या मशीन से माल बनाया जाए, बड़ी बड़ी पैसे लगा के पैसे माल बनाया जाए कि लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, माल अमीरों के लिए बनाए कि गरीबों के लिए बनाए, माल सस्ता बनाए कि माल महंगा बनाए, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस किए जाए कि एवरेज क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस किए जाए, पॉपुलेशन को क्या चाहिए, पॉपुलेशन को डिफेंस के गुड्स चाहिए कि पॉपुलेशन को सर्वाइवल गुड्स चाहिए। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस अगेन एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा किसी भी इकोनॉमी के सामने रहता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। अगर बच्चे मेरे साथ बोलेंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस प्रकार की इकोनॉमी, अगर मैं बोलूं डेफिनेशन, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय प्रोड्यूसर्स एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द सेल सोल एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हो सर, इतनी सी बात है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पर सारे डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेगा कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किस रेट में बेचा जाए, किस रिसोर्सेज को अप्लाई किया जाए फॉर द सोल एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे इवन अगर रेलवेज भी होती है तो वो सरकार की नहीं होती, वो प्राइवेट कंपनीज को दी जाती है बनाने के लिए, क्या बनाओ और उससे प्रॉफिट कमाओ, टू बी वेरी फ्रैंक।
तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर क्या ऐसी इकोनॉमी अच्छी होती है? हाँ, विश्वास मानिए अगर आपका देश अच्छी ग्रोथ लेवल पे आ चुका है तो आप हर चीज को प्राइवेटाइज कर सकते हो विद सम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सम कंट्रोल, ठीक है। द नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, आर टेकन बाय द सेंट्रली प्लान्ड गवर्नमेंट बॉडी फॉर द सोल एम ऑफ सोशल वेलफेयर। अब यहां पे क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, यहां पे आप लोगों के लिए सोचते हैं, मतलब सरकार बोलती है सारे डिसीजन हम बताएं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस रेट पे गुड बिकना चाहिए, किस चीज का क्या प्राइस रहेगा, कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे यूज की जाएगी, कौन सी लैंड को किस यूज में लिया जाएगा, ये सब गवर्नमेंट बताती है फॉर द सोल एम ऑफ सोशल वेलफेयर। शायद इकोनॉमी इक्वलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, चाहे वो अमीर और गरीब का डिफरेंस बढ़ाना नहीं चाहते हैं इसलिए। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी कभी कभी फेल हो जाती है बड़े प्रॉफिट्स कमाने में, क्योंकि वो अगर सब लोगों के बारे में सोचते रहती है तो चीजों को कमर्शलाइज नहीं कर पाती है, जब तक ये कमर्शलाइज नहीं हो पाती तब तक डिमांड नहीं बढ़ती, और जिस देश की एक डिमांड नहीं बढ़ती कहीं ना कहीं वहां पे डिमांड सप्लाई का मैच नहीं होता, तो उतना मोटिवेशन नहीं रहता है प्रोड्यूसर्स के पास। नाउ इंडिया जैसी मिक्स इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट अपने लेवल पे चीजें बनाएंगी और प्राइवेट सेक्टर भी अपने लेवल पे चीजें बनाएंगे और दोनों आपस में कॉम्पीट करेंगे इन अ पॉजिटिव मैनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इंडिया में LIC है गवर्नमेंट की, और अपन बात करें बहुत सारे अलग अलग HDFC का इंश्योरेंस है, ICICI का इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, प्राइवेट कंपनीज भी है। इंडिया में एयर इंडिया है गवर्नमेंट का, SBI है गवर्नमेंट का, और इंडिगो है प्राइवेट सेक्टर में, ICICI है प्राइवेट सेक्टर में। तो सर इंडिया में गवर्नमेंट के पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस के पेट्रोल पंप भी है। तो ऐसी इकोनॉमी होती है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर फॉर द सोल एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट फॉर द सोल एम ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सर क्या इसके डेफिनेशन काफी इजी है? डेफिनेशन काफी इजी है, बस ध्यान रखना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हूम टू प्रोड्यूस चिपका रहेगा। तो सर मिक्स इकोनॉमी में एक अच्छे लेवल की कॉम्पिटिशन होती है, गवर्नमेंट जो भी काम करती है सोशल वेलफेयर की करती है, प्राइवेट सेक्टर उसका प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, और ऐसे इकोनॉमी अच्छी खासी आगे बढ़ती है। अब सर इकोनॉमिक प्लानिंग, सर ये क्यों कोर्स में हो और इसका मतलब क्या है? भाई सीधी बात है, इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर मुझसे डेफिनेशन पूछोगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग कंट्रीज टोटल रिसोर्सेस इन अ मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। सर इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? आज आपके देश के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, इन टर्म्स ऑफ मनी बोल दूं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ लैंड, द नेचुरल रिजर्व भी है। तो कैसे कंट्री के सारे रिसोर्स, इवन ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स है जो पॉपुलेशन है, तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग कंट्रीज रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट मैनर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इन अकॉर्डिंग्स टू नेशनल प्रायोरिटीज। अब से फॉर एग्जांपल देश का बजट बनता है तो उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, कितना खर्चा एजुकेशन पे करें, कितना खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें, कितना खर्चा अगर हम बात करूँ IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, कितना खर्चा आपका प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर की तरफ करें, कितना खर्चा डिफेंस पे करें, कितना खर्चा सेल्फ रिलायंट होने में करें। तो दिस इज द इकोनॉमिक प्लानिंग अगर अपन बात करें तो। खैर अब बात करते हैं 5-year प्लान्स जो हमारे बनाए गए, तो इनका ओवरऑल लॉन्ग पीरियड गोल क्या था? 1950 से हमारे देश में 5-year प्लान चालू अगर हम बात करें तो एक थे हमारे पास लॉन्ग पीरियड गोल्स और एक थे शॉर्ट पीरियड गोल्स। अगर अपन बात करें तो 5-year प्लान्स आते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स में, शॉर्ट पीरियड प्लान्स में ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन लॉन्ग रन में जब देश आजाद हुआ तो देश के पास क्या बड़े गोल थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा क्या करना था देश को, जो एक विजन था, चाहे उस समय वो महात्मा गांधी जी का हो, नेहरू जी का हो, जो भी लोग, सबसे पहला तो विजन था ग्रोथ। सर ग्रोथ इसलिए जरूरी थी कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था, तो हमको अपने GDP को बढ़ाना था, मतलब हमको हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाना था, मतलब हमको देश के अंदर इस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज रिगरसली प्रोड्यूस करने थे जैसे देश के सारे लोगों के पास एक तो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज हो। आपके GDP का बढ़ना मतलब आपके पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, आपके पर कैपिटा इनकम का बढ़ना मतलब आपका ग्रोथ होना और इंडिया की एक इंटरनेशनल लेवल पे छाप होना। तो सर ग्रोथ की आवश्यकता थी, तो हमारा जो पहला लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग पीरियड गोल बोलो तो वो था ग्रोथ। देश का GDP बढ़ना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़नी चाहिए, जॉब्स बढ़ने चाहिए। सेकेंड इज मॉडर्नाइजेशन। सर 1950 में जब अंग्रेज गए थे, इवन 1990 तक की बात करूं तो हमारे देश को पिछड़ा भारत बोलते थे,
अगर मैं बात करूं तो आउटडेटेड इंडिया बोला जाता था, हमको बोला जाता है बैकवर्ड पीपल्स विद बैकवर्ड माइंडसेट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा मॉडर्नाइजेशन, मतलब आपका सोशल आउटलुक चेंज होगा। सोशल आउटलुक चेंज होगा मतलब आपका जो डाउरी सिस्टम था, आपका जो दहेज की प्रथा था, आपके जो ओल्ड सिस्टम्स थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, तो पहले तो उस सोशल आउटलुक को चेंज करना। जो आपका कास्टिज्म बहुत सारा था उसको चेंज करना, तो आपका माइंडसेट में चेंज करना, चेंज इन सोशल आउटलुक, उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस आ गया, उसमें आपका ओवरऑल माइंडसेट आ गया, उससे आपका एजुकेशन की तरफ। पुराना इंडिया बोलता कि गर्ल्स को पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं, अब ये तो गलत था। तो भी पुराना इंडिया बोलता पढ़ने लिखने की जरूरत क्या, तो इस सोशल आउटलुक को चेंज करना था। सेकंड इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, हम हमेशा लेबर वर्क कर रहे थे, इसी कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो हम पर राज कर पाए कि वो मशीन लेके आए, मशीन के थ्रू गुड्स पास बनते थे, हम लोग गुड्स लो बनाते थे, उनके गुड्स सस्ते बनते थे, हमारे गुड्स थोड़े महंगे बनते थे, क्योंकि हम लेबर पे फोकस करते थे। तो सर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी तोपे लेके आए, अब हमारे पास ये तलवार है तो हम उनसे वॉर ही नहीं करते, तो इसलिए आपके देश को मॉडर्नाइजेशन इन टेक्नोलॉजी चाहिए था। सर थर्ड इज सेल्फ रिलायंस, अब इसका मतलब समझो, पहले बात सेल्फ रिलायंस मतलब हमारी किसी और देश पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वेदर इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, वेदर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमारे किसी और देश पर डिपेंडेंसी किसी भी चीज के लिए ना हो। क्या इंडिया की आजादी के वक्त एट द टाइम ऑफ 1950 क्या डिपेंडेंसी थी? यस। इवन अगर मैं आपको बात करूं 1950 से 1965 तक का, तो वो एरा था 1970 तक का कि हम सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स में भी नहीं थे। मतलब इंडिया के पास इतना व्हीट, इतना राइस, इतनी पल्सेस भी नहीं थी कि वो अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सके। और ये एक्चुअल सच्चाई है कि इंडिया जैसा एग्रीगेशन इकोनॉमी वीट राइस वेजिटेबल्स इंपोर्ट किया करता था, कभी पाकिस्तान से, कभी ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, कभी यहाँ से, कभी कहीं और से। तो सर टेक्नोलॉजी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास उतना आरएनडी था नहीं, हमारे पास उतनी फैक्ट्रीज नहीं थी, हमारे पास उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो सर इम्पोर्ट तो हमको करना पड़ता था। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देश पे क्या हो जाए, कम। तो सर ठीक है, इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें करी, डेवलपमेंट करा ग्रोथ के थ्रू। फोर्थ इज इक्विटी। आजाद भारत की प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया, वो बोलते ना भगत सिंह ने बोला था कि गोरे लोग चले जाएंगे उसके जगह काले लोग आ जाएंगे, बट डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर वो हमेशा रहा रहेगा। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी कि आपका भारत देश दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, गरीब बहुत गरीब थे। अगर मैं बात करूँ जो SC ST इन सब के लिए कोटा सिस्टम रखा गया, जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए कोटा सिस्टम रखा गया, वो रखा ही इसलिए क्या, क्योंकि गरीब इतने गरीब थे कि वो एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास खुद की लैंड नहीं थी, उनके पास खुद का एसेट्स नहीं थे, और अमीर बहुत ही अमीर थे, वो चाहे अंग्रेजों के टाइम पे भी थे, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इक्विटी मतलब इंडिया सी कंट्री में अगर मैं बात करूं, जब अंग्रेज छोड़ी गए 1950 में, तो अप्रोक्स वी आर एट समवेयर 45-50 करोड़ की पॉपुलेशन थी हमारे पास। उसमें से अगर मैं बात करूं तो मात्र 3 या 4 करोड़ लोग बहुत ज्यादा रईस थे, और बाकी पूरा इंडिया गरीबी के झांसे में डूब रहा था। तो सर इक्विटी का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करना था, कि सीधी बात है बजट में बनाए ऐसे कुछ जाए कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनको बहुत सारे क्या दी जाए, सब्सिडीज, उनको बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स दी जाए, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ किया जाए। इसका मतलब क्या, गरीबों को फ्री में जमीन बांट दी जाए और अमीरों से अच्छा टैक्सेस वसूला जाए, ताकि ये गैप क्या हो, कम हो। इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए, बहुत सारी जॉब्स में रिजर्वेशन उस समय रखना बहुत सही था। आज वो रिजर्वेशन हो सकता है गलत हो, कि आप SC ST वालों को या किसी और कास्ट वालों को और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जॉब दे देते हो, लेकिन क्या उस समय ये चीज देश की डिमांड थी? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्लियर बोला था कि आप SC ST वाले को बढ़ने ही नहीं दोगे, कि आप एक लोअर इनकम ग्रुप को बढ़ने ही नहीं दोगे, तो एट पार का बैठेगा कैसे? दिस वॉज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी। नाउ अगर हम बात करें, लेट्स कम टू द इंडियन एग्रीकल्चर। सर इंडियन एग्रीकल्चर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था? डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, इट रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सर छोटी सी, अगर आपकी दुकान है, छोटी सी दुकान है, दो दुकानें हैं आपकी, वहां पर सिर्फ 2 या 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन पापा ने क्या करा है, आपकी फैमिली बड़ी है, 7-8 लोग हैं, तो 8 लोगों को लगा दिया दुकान पर, दुकान पर। अब दुकान पे 8 भाई बैठे हुए हैं, जरूरत सिर्फ 2 भाइयों की, लेकिन सही बोल रहे हैं दुकान है तो बैठ जाते, पढ़ाई लिखती क्या करेंगे। अब मुझे बताओ क्या वो 8 भाई एम्प्लॉयड है कि डिस्गाइज्ली अनएम्प्लॉयड है? तो यहाँ पे वो डिस्गाइज्ली अनएम्प्लॉयड है, वो भीड़ कर ली दुकान का, अपनी दुकान। ऐसा ही किसान करता था, एक किसान के 8-8 10 बच्चे होते,
एक ही खेत पर सब बच्चों को लगा दिया, सबको लगता था हम काम तो कर ही रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है, लेकिन वो सब डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे। सेकंड प्रॉब्लम थी लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ये जितने ट्यूब वेल्स, कैनाल्स, वाटर वेल्स, जितने आप देख रहे हो जितनी नहरें जा रही है, नदियां कनेक्ट हो रही है, ये सब नहीं थी उस समय। तो हमारी हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल थी, मतलब किसान वो लगान भी समझ देना पानी पे, इतना मतलब बारिश आएगी तो फसल उगेगी, बारिश नहीं आई तो सूखा पड़ जाएगा। ऐसे करोड़ों, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों लोगों ने सुसाइड करी है जस्ट बिकॉज उनकी फसलें खराब हो गई। तो सर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास पाइप नहीं थे, ट्यूबवेल्स नहीं थे। तो सेकंड प्रॉब्लम थी लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। थर्ड इज लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे नहीं था। आज अगर किसान को अच्छे सीड्स लाने तो उसके लिए पैसा चाहिए, किसान को अगर अच्छा अर्निंग करनी है तो उसके लिए उसकी जमीन खुद की होनी चाहिए, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, ट्रैक्टर, थ्रेशर, फर्टिलाइजर्स लाने के लिए पैसा चाहिए। तो लैक ऑफ फाइनेंस, एक किसान के पास ये सब नहीं था, ये सब था जमींदारों के पास। और जमींदार करते क्या थे, पूरी मेहनत करता था किसान अगर मैं बात करूं तो। और अगर किसान ने मान लो साल का 1000 किलो अनाज उगाया है तो 700 किलो जमींदार रखेंगे और 300 किलो किसान के पास रहेगा। मेहनत, पैसा, सब कुछ किसका रहता अगर बाय डिफॉल्ट बात करें तो किसान का। और सिर्फ क्योंकि जमीन जमींदार की हुआ करती थी इसलिए 700 किलो का प्रोड्यूस, मतलब 2/3 ऑफ द प्रोड्यूसर जमींदार के पास था, किसान वही गरीब था, किसान के पास कोई अधिकार ही नहीं था कि वो कुछ ज्यादा मांग सके, और वो उतना प्रोड्यूस से उसकी फैमिली के लिए पूरा होता था, तो हमेशा गरीब का गरीब रहता था। नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, नहीं थे हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब नहीं थे हमारे पास। आज आप फर्टिलाइजर डालते हो आपकी फसल डबल ट्रिपल हो जाती है, उस समय तो फर्टिलाइजर्स नहीं है। तो जिस जमीन पर आज आप हजारों किलो वीट उगा सकते हैं, उस जमीन पर सिर्फ 100 या 200 किलो वीट उगा करता था, उसका भी 67% ज्यादा था अमीरों के पास। क्या स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, सर स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स का मतलब क्या है कि एक तो हर किसी के पास जमीन बड़ी बड़ी थी और स्मॉल होल्डिंग्स मतलब एक समझो ये एक ही जमीन है, फिर यहाँ पे कुछ बी का खेत आ गया, फिर यहाँ पे कुछ सी का खेत आ गया, और वापस से फिर यहाँ पे कुछ ए के पास छोटी जमीन पड़ी हुई, और फिर यहाँ पे काट के कुछ सी के पास कुछ जमीन पड़ी हुई। अभी क्या होता है, सी की प्रॉब्लम ये है कि उसका थोड़ा खेत का पार्ट यहाँ पे, थोड़ा पार्ट यहाँ पे, ए का थोड़ा पार्ट यहाँ पे, थोड़ा पार्ट, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड होल्डिंग्स। मतलब आपके पास जमीन एक साथ बड़ी नहीं थी। अब यार जमीन कम होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है आउटपुट कम होगा और स्कैटर्ड होगी। अब मैंने बोले यार सर कोचिंग क्लास का एक रूम आपका इस गली में हो, एक कोचिंग का रूम आप कर लो 2 रूम गली छोड़ के, और तीसरा कोचिंग का रूम कर लो आप 5 किलोमीटर दूर और आप सब जगह पढ़ा लो, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा, तो ऑब्वियस आंसर इज नो। तो यही स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग थी कि किसान के पास एक मुश्त तो बड़ी लैंड नहीं थी और जो लैंड भी थी वो भी स्कैटर्ड थी, बीच बीच में भाइयों के बंटवारे हो गए थे, ये सब हो गया। तो इससे कहने के बहुत प्रॉब्लम आई थी। द नेक्स्ट इज इसके सॉल्यूशंस क्या लेके आए, अगर हम बात करें तो हमने लैंड रिफॉर्म्स करे सरकार ने। सर लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो ये रिफॉर्म किया गया कि इक्विटी इन एग्रीकल्चर, पहली बात तो उन्होंने ये करा। जो बस प्रॉब्लम है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग में, सरकार ने क्या करा लैंड रिफॉर्म में, सबसे पहले तो अपने कुछ जो बोलते हैं एम्प्लॉइज भेजे गाँव गाँव में, तो पहले तो ये करा जो स्कैटर्ड होल्डिंग्स है, मतलब एक ही जमीन एक इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, तो उन्होंने आपस में ग्राम पंचायत बनाई और बोला यार अगर ए की जमीन बी के पास में है तो बी को बोला ऐसा कर तू ए के वाली ले, अगर मैं बात करूं एग्जांपल यहां पे ए को बोला कि यार तू ऐसा कर यहां पे सी वाली जमीन ले ले, तो यहां पे ए की जमीन हो जाएगी और ए को ग्यारी जमीन अपनी इसको दे सी को, तो सी के पास भी पूरी जमीन हो जाएगी और ए के पास भी पूरी जमीन हो जाएगी। सेकेंड उन्होंने कर दिया सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, ये बहुत अच्छा काम करा। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग मतलब एक इंसान अपने नाम पे एक एकड़ या एक जमीन से ऊपर अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करा सकता। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर जो जमींदार हुआ करते थे वो पूरी पूरी जमीन खुद के नाम पर कर रहे थे, किसान को, किसान गरीब था उसके पास कुछ लैंड भी होती तो भेज देता, तो इन्होंने कर दिया सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब है कि आप अपने नाम पे एक से ऊपर जमीन नहीं रख सकते, अगर आप रखोगे तो उस पर आपको 2x-3x टैक्स लग जाएगा। अब ऐसे में क्या हुआ, जिस भी जमींदार को इवन आज भी ऐसा ही, अगर आपके पास खुद का पहला घर बनाने के लिए अगर आप लैंड ले रहे हो तो आपको बहुत सारा टैक्स एग्जेंप्शन है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है और आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लैंड ले रहे हो तो उस पर टैक्स लगता है। तो सरकार ने करा क्या कि अगर आपको दूसरी जमीन लेनी है, तीसरी जमीन लेनी है, तो आप सरकार को मोटा टैक्स दो और सरकार वो सारा टैक्स अमीरों से लेके गरीबों को जमीन फ्री कर देगी। सरकार ने करा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सरकार ने बहुत सारे, अगर मैं बात करूं बहुत सारे पुअर फार्मर्स को बुलाया और उनको बोला आपको यहाँ पे जमीन एलोकेट कर देते हैं, आपको यहाँ पे जमीन एलोकेट कर देते हैं, मतलब अमीरों से जमीन लेके गरीबों को दी गई। सर ये कितना सच्ची में हुआ कितना यूं ही हुआ वो एक अलग बात है, मैं आपको बता दूं जो लिखा हुआ है
एक्चुअली कितना प्रैक्टिकली हो पाया था, कुछ एंगल तक तो हो पाया था, बट ठीक है ये सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना। तो इवन अगर आपको देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड वाज फिक्स्ड, बियॉन्ड दैट लिमिट लैंड वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। मतलब इवन आज भी क्या होता है कि आपको एक जने के नाम पे इतनी जमीन फिक्स्ड है कि आप इतना ले सकते हैं, इसके बाहर की कोई भी एरिया हो तो सरकार उसको अपने नाम पे कर लेगी, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म। सरकार ने बोला यार प्रॉब्लम सिर्फ जमीन की नहीं, प्रॉब्लम उपजाऊपन की भी है, फर्टिलिटी की भी है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड की भी है। तो सरकार ने गांव-गांव जाके HYV ये ध्यान रखिएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जाके किसानों को दिए ऐसे बीज जिससे उपजाऊ था, जिससे ग्रोथ फास्ट होती है, वो ऐसे अच्छी क्वालिटी के। फॉर एग्जांपल अगर आपको आम की गुठली अच्छी मिल गई तो आम का पेड़ तो अच्छा हो गया, टू बी वेरी फ्रेंड। तो अच्छी सीड्स ये गए किसानों को घर घर जाके, उनके गाँव में जाके, ताकि अच्छे से प्रोडक्शन बढ़े। फर्स्ट, सेकेंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर तरीके से सरकार ने अपने अलग अलग नेबार्ड के थ्रू, सरकार ने खुद की बैंक बनाई, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, ये सब गांव गांव जाके बांटे, ताकि जो फसल उगे उस पर कीड़े ना पड़े, इंसेक्टिसाइड यूज करें, सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए, ट्रैक्टर थ्रेशर ये सब उनको पहुंचाया गया, ताकि ट्रैक्टर से फास्ट फास्ट काम हो जाए, थ्रेशर से फसल कट अच्छे से जाए। तो सरकार ने सब किया। नाउ अगर अपन बात करें सर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो पहली बात तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम क्या था, और अगर अपन लेके चले और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हो, तो पहली बात तो सुनो, ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फोकस्ड ऑन द हाई स्प्रेड कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस स्पेसिफिकली। सरकार की इच्छा थी कि पूरे देश में अनाज, मतलब रोटी और चावल होके खाता है, तो इसका मास स्केल पे प्रोडक्शन किया जाए। इसके लिए सरकार ने गाँव गाँव जाके HYV सीड्स बांटे, फर्टिलाइजर बांटे, पेस्टिसाइड्स बांटे, किसानों को लोन दिए कि आप अच्छे लेवल पे उगाओ। सर अब अगर बात कर तो क्या सरकार को ये पूरे देश में इक्वल लेवल पे करना चाहिए था? हाँ, लेकिन अब सरकार ने करा क्या है? अगर मैं बात करूं तो सरकार ने कुछ स्टेट, पंजाब, हरियाणा, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड हिमाचल, थोड़ा सा कर्नाटक, यहाँ यहाँ पे तो बहुत अच्छे से ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट हुआ। मतलब यहाँ पे अच्छे से फंड्स भी आए, HYV सीड्स भी आए, और अप्लीकेबिलिटी भी अच्छी है। लेकिन इफ वी टेक टॉक अबाउट बिहार, मध्य प्रदेश, अगर अपन बात करें आसाम, तो यहां तक इनका स्प्रेड नहीं पहुंच पाया। तो ये पहली प्रॉब्लम थी कि डिस्पेरिटी हुई स्मॉल और बिग फार्मर्स में। बहुत बार क्या हुआ कि सरकार ट्रैक्टर या थ्रेशर दे रही थी तो बड़े फार्मर चले गए, बड़े बड़े जमींदार चले गए, हमको दे दो, हमारे नाम पे जमीन है, वो लेके आ गए, स्मॉल फार्मर्स तक पहुंचा नहीं। सर अगर बात करूं तो पेस्ट अटैक, मतलब क्या खेती बाड़ी तो बढ़ जाएगी लेकिन अगर उसमें कीड़े लग गए तो उसका क्या करोगे? तो रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक को आप कवर नहीं करते। HYV सीड से फसल तो अच्छी हुई लेकिन फसल उगते ही अगर उसमें कीड़े लग जाए तो आप वो चीज नहीं कर पाए। तो सरकार ने स्मॉल इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडीज दी लोगों को, लेकिन पेस्ट अटैक को पूरा वर्क नहीं कर पाया। अगर अपन बात करें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, तो सर हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटेबल सरप्लस? अब इसको बहुत सिंपल समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1000 किलो गेहूं उगा रहा हूं और मेरे घर में ही 1000 किलो गेहूं खप जाता है, मतलब मेरे घर वालों को 1000 किलो गेहूं चाहिए, तो क्या मेरे पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ बचा है? द आंसर इज नो। तो मेरा मार्केटेबल सरप्लस का मतलब जीरो, मतलब जो मैंने कमाया वो मेरे घर बार में परिवार में बढ़ गया और मैं मार्केट में कुछ बेच नहीं पाया जिससे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो पाया, जिससे मेरी एक्चुअल ग्रोथ हो पाया। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से मार्केटेबल सरप्लस अचीव हुआ। इसका मतलब एक किसान को अगर घर बार के लिए 1000 किलो चाहिए था तो उसने 2000-3000 किलो गेहूं उगाया, घर के लिए 1000 किलो रखा और 2000 मार्केट में हाई रेट पे बेच के आया, ताकि उसके पास फंड्स हो, ताकि वो और लैंड खरीद सके, अच्छे सीड्स खरीद सके और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, ठीक है ना। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, पहले हमको फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, अब हमने इतना, मतलब सरकार ने सीधी बात पैसा लगा दिया आपकी कैसे भी ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ गई, तो बफर स्टॉक सर होते हैं। बफर स्टॉक होते हैं इसका मतलब क्या, आपने अनाज सिर्फ इस साल के लिए नहीं, आने वाले सालों के लिए भी स्टॉक आप कर पा रहे थे, तो बफर स्टॉक। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, सरकार ने क्या करा बफर स्टॉक से कि जो गरीब लोग थे, शहरों में थे या गाँव में थे, उनको ये जो वीट और राइस बफर स्टॉक में आया जो मार्केट में बिकने के बाद ही बच गया, इनको सस्ते रेट में थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन की दुकान के थ्रू बेचा गया, ठीक है। सर सब्सिडीज पे आज तक क्वेश्चन मार्क है कि सब्सिडीज दी जाए कि ना दी जाए, और आज भी सब्सिडी दी जाती है। गांव में आपको पता है ट्रैक्टर्स फ्री कर दिए जाते हैं,
आपको ये बहुत अच्छी बात है सब्सिडीज में कि आप सरकार से लोन ले लो लाखों रुपए का, पहली बात तो उसको कुछ इंटरेस्ट ही मत भरो सालों साल तक। तो किसान बोलता है लोन ले लिया मतलब ये तो अपना बढ़िया मजे का काम हो गया, इस पर इंटरेस्ट सरकार मांगेगी नहीं। चलो इंटरेस्ट मत भरो, लोन तो वापस कर दो। बहुत बार तो क्या होता है सरकार के इलेक्शन के टाइम आती है बोलते हम लोन माफ कर देंगे, मैं किसानों का कोई भी सरकार आती मैं 10,000 करोड़ का लोन माफ कर दूंगा। अरे लोन माफ कर देगा मतलब जो उन्होंने दिया था पैसा उन्होंने दिया था उससे उन्होंने फसल उगा ली प्रॉफिट कमा लिया आगे बढ़ गए और वो लोन माफ कर दे। अब इसको बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है किसानों को जो बिजली मिलती है वो सस्ते रेट में मिलती है, जो उनको वाटर सप्लाई होता है सस्ते रेट होता है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता। अब ये होती सब्सिडी। अब ये सही है कि गलत है ये एक क्वेश्चन मार्क है, डिबेटेबल इशू। बट क्या ये सब्सिडी उस समय जरूरी थी? हाँ। इवन क्या आज भी बहुत से जगह जरूरी है? हाँ। टू बी वेरी फ्रेंक हियर, आज हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग टैक्स भर सकते हैं, हम लोग राइट रेट पर ले सकते हैं, लेकिन कोई पुअर फार्मर आज भी है तो बहुत ही अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको लैंड सस्ते रेट पर मिलनी चाहिए, उसको ट्रैक्टर्स फर्टिलाइजर्स बाकी सस्ते रेट पर मिलनी चाहिए, तो वो जरूरी था। हाँ, कहीं कहीं पर अगर आप सब्सिडी किसी कोई अमीरों के लिए कोई सब्सिडी दे रहे हो तो वहां पर गलत होता है, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कि सर 1950 से 1990 के बीच में इंडस्ट्रीज की क्या हालत थी, अगर अपन इस पे लेके चले तो सर लैक ऑफ कैपिटल, सर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं था। अभी वो जो अडानी के बारे में बात करो ना, सेकंड रिचेस्ट से लेके अब तो के नीचे आ गए, आप अंबानी के बारे में बात करते हो, आप टाटा के बारे में बात करते हो, तो टाटा तो था उस समय बट अंबानी अडानी नहीं थे, बहुत सारे लोग नहीं थे जिनके पास पैसा हो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने का। आपका देश एक गरीब देश था, आपका देश 1950 में आजाद हुआ था, उसके पास इतनी डिमांड नहीं थी मार्केट में या इतना पैसा ही नहीं था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। अच्छा पहली बात तो आज क्या होता है बहुत सारी मशीनरी इंडिया में बन जाती है, पहले तो आपको मशीनरी आती नहीं थी, तो जितनी आपकी मशीन हुआ करती थी वो आप बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे, और क्योंकि आप इम्पोर्ट किया करते थे तो पैसा बहुत लगता था। अच्छा इंडस्ट्रीज को इतना शौक भी नहीं था, अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ इंसेंटिव का मतलब क्या था, सरकार ने बहुत सारे बैन लगाए थे इस पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे कि आप माल बना तो लो लेकिन आप इससे ऊपर देश गरीब है आप इससे ऊपर का माल बना नहीं सकते हो, तो उन्होंने क्वांटिटेटिव कोटास लगा के रखते। कोटास मतलब क्या, अगर आपने इंडस्ट्री खोल भी ली तो पहली बात तो उस इंडस्ट्री के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, फिर उसके बाद इससे ऊपर का माल नहीं बना सकते आप, इस प्रोडक्ट को इतने रेट पे तो बेच ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वरना गरीब कैसे खरीदे। तो लैक ऑफ कैपिटल भी थी और लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट भी था, मतलब इंडस्ट्रीज को पता था कि हम माल बना देंगे अच्छी क्वालिटी का, कोई खरीदने वाला है नहीं, इंडिया वैसे भी गरीब नेशन है तो हम क्यों इन्वेस्ट, तो ये प्रॉब्लम था। अब सरकार की इच्छा थी इसने बहुत सारा अधिकार पब्लिक सेक्टर के हाथ में रखा, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाने दी, क्योंकि उनकी इच्छा थी ग्रोथ हो देश बट सोशल जस्टिस के साथ। और सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं हो कि किसी की मोनोपोली हो जाए, जैसे आप धीरे धीरे क्या हो रही है रिलायंस की मोनोपोली होती है टेलीकॉम सेक्टर में या अडानी की पोर्ट्स के केस में मोनोपोली होती जा रही है, तो अभी तो फिर भी आप और मैं थोड़ा बहुत मोनोपोली एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उस समय अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली हो जाती तो मार्केट को ना पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर जाता, मतलब वो स्मॉल एसएसएस को खत्म कर देता, तो सरकार की वो इच्छा नहीं थी, इसलिए सरकार ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दिया। लेकिन इस सबसे प्रॉब्लम हुई 1991 में, पब्लिक सेक्टर कुछ नहीं कर पाया, आपका देश लिखने पर आ चुका था, वो अगले पढ़ो, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर एक्टेड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, मेन कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर के बारे में, मतलब कपड़े की इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट लगाएगी, जूतों की इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट लगाएगी, आयरन की इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट लगाएगी, प्राइवेट सेक्टर को बस बोला है तुमको कोई इंडस्ट्री लगानी की है तो पहले हमसे पूछो, हमारे साथ लगाओ, हम जिस रेट पे बोल रहे हैं उस रेट पे माल लगाओ। तो बहुत सारा, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा प्रॉब्लम था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बात करते हैं इसी कारण आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1956, इसमें ईयर पूछ सकते हैं और आईपीआर का फुलफॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो सर आईपीआर आया 1956 में, उसमें आपने इंडस्ट्रीज को तीन बड़े तरीके से क्लासिफाई किया, वन जो पूरी स्टेट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाएंगी, सेकंड जो स्टेट एंड प्राइवेट दोनों करेंगे, और थर्ड जो प्राइवेट सेक्टर करेंगे। तो तीन प्रकार से इंडस्ट्रीज डिवाइड हुई, वन इज व्हाट पूरी गवर्नमेंट की मतलब स्टेट ओन बाय द स्टेट, द सेकंड इज स्टेट एंड प्राइवेट, एंड थर्ड इज बोथ, अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर के लिए करी जाएगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी हुई कि किसी को भी अगर कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो उसको रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट का,
और ये बहुत टीडियस है। कल से कोई मुझे बोले कोचिंग में गवर्नमेंट क्या पढ़ाओ, आप ये सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, ये नहीं पढ़ सकते, आपको बच्चों को इस चीज में पढ़ाना पड़ेगा, आप इससे ऊपर तो बच्चे पढ़ा नहीं सकते, विश्वास मानो कोचिंग में कर दूंगा प्रैक्टिकल। तो उस समय ऐसे हालात थे जो कि चेंज हुए 1991 में, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो आपको बोल के रखा है कि किसी नए इंडस्ट्री को आसानी से लाइसेंस मिलता नहीं था। बात थी कि आपको बोला अगर हमें इंडस्ट्री लगानी है तो बैकवर्ड रीजन में जाकर लगाओ, सही बात थी जो रीजन बैकवर्ड है उनमें लगाओ, लेकिन अगर आज बैकवर्ड रीजन में जाके इंडस्ट्री लगाया करो, अडानी जैसा तो वो है नहीं जो कांडला में पूरा रुपए के भाव में जमीन ले और उसको पूरा डेवलप कर ले, उस समय इतना पैसा नहीं था। तो सरकार बोलती है कोई इंडस्ट्री लगानी लेकिन आपको बैकवर्ड पिछड़े रीजन में जाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है, या फिर रोड्स नहीं बने हुए, रेलवे नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, अब ऐसे में इंडस्ट्रीज क्या करें। तो अगर मैं बात करूं इवन आपको लिखा हुआ है एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैज टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर एक्सपांडिंग और डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रोडक्शन, मतलब मुझे लाइसेंस मिल गया, अब मैं माल बना रहा हूं अच्छे से बना रहा हूं, मेरी इच्छा मैं और माल बनाऊ, नहीं नहीं इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सब हालत थी हमारे इंडस्ट्रीज की अगर अपन बात करें तो। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल कंसेशन। हाँ, सरकार ने बैकवर्ड रीजन में अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल सोप्स दिए, SOPES। सोप्स का मतलब होता है कंसेशन, मतलब वहां पे आपको जमीन बहुत सस्ते रेट में मिलेगी। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बार बोलता हूं अडानी जी का, एक रुपए के रेट में कांडला की उनको 10,000 acres जमीन मिली जिसके आज भाव 500 रुपए हो चुका है, मतलब एक रुपए की जमीन का भाव 500 हो गया। तो सरकार ने उनको उस एरिया में जमीन आपको बहुत सस्ती दे दी थी, बहुत बार उस एरिया में आपको लाइट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई फ्री कर दी थी, उस एरिया में अगर आप डेवलपमेंट करते हो आपसे बहुत सारे साल तक टैक्स नहीं लिया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लो टैरिफ पे होती है और आपको अल्टीमेटली बहुत सारे बेनिफिट्स देती है टैक्सेशन से लेकर हर चीज के अंदर। तो अगर अपन बात करें